आप एक्स आरआईएमसी हैं, तो सर आरआईएमसी का क्या आपको एडवांटेज मिला फॉर ज्वाइनिंग एनडीए? क्या कुछ वेटेज मिलता है एसएसबी में? टू आंसर द क्वेश्चन, आई थिंक द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज फेयर एंड इक्वल टू ऑल, ये सबके लिए बराबर है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स या वेटेज एज पर मी कुछ नहीं है। लेकिन अब आपने पूछा कि आरएमसी क्यों स्पेशल है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सो आरएमसी इज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। इनफैक्ट पूरे विश्व में शायद ये अनोखा स्कूल है जो अपने तरह का एक ही है। यहाँ हर स्टेट से एक या दो बच्चों को लिया जाता है, उनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स पे इतना काम होता है कि हर बच्चे में एक ऑफिसर बनने की चाह नेचुरली पैदा होती है। यहाँ पे एकेडमिक्स, 8-10 तरह के खेलों में निपुणता, डिबेट्स, वाद विवाद, क्विज, एडवेंचर एक्टिविटीज, माउंटेनियरिंग ट्रिप्स, राफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिकल एक्टिविटीज, ये सब कराई जाती हैं इन अ डिसिप्लिन मिलिट्री एनवायरमेंट। सो टू गेट इन टू आरएमसी इज अ ड्रीम फॉर एनी यंग किड। और आप देखिए आपकी अकेडमी में देर आर सो मेनी चिल्ड्रन फॉर ट्राइंग टू गेट इन टू आरएमसी, एंड इफ नॉट आरएमसी देन मे बी सैनिक स्कूल। लेकिन आरएमसी में जाने का और आरएमसी की तैयारी करने का एक बहुत ही अंदरूनी फायदा वो ये है कि बच्चे का व्यक्तित्व, सोचने की शक्ति, स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस और एकेडमिक काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा था जैसे बच्चे आपके 82% लेके आपके पास आए थे और शायद अब वो 95% स्कोर कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि बच्चे को उस लेवल पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। लेकिन अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो आरएमसी इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज गेटिंग इनटू आरएमसी इज एन अल्टीमेट ड्रीम ऑफ अ यंग एस्पिरेंट फॉर डिफेंस।